पढ़ने का मन नहीं करता है ना तुम्हारा, हर 10-15 मिनट में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कभी मोबाइल चलाने स्टार्ट कर देते हो, कभी घूमने जाने का मूड करने लगता है, कभी सोचते हो कि इंस्टा पर रील कर लेते हैं, एक इंस्टा पर रील देख लेते हैं, या फिर सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक यूज़ करने लगते हो, व्हाट्सएप यूज़ करने लगते हो। सो ये सारी चीज़ें जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इन सभी चीज़ों को आपको किस तरीके से रिमूव करना है अपने डेली शेड्यूल से, और अपना आपको किस तरीके से हाईली फोकस बनाना है, अपने आप को किस तरीके से फोकस करना है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अफर्मेशंस के थ्रू किस तरीके से आप हाईली फोकस होकर अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हो, और अपने डिस्ट्रैक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सकते हो, और अपने फोकस को इंक्रीज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो। सो आज यूज़ करेंगे लॉ ऑफ अफर्मेशंस या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपली अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ अफर्मेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक लाइन में डिफाइन करने की, तो ये होता है डेली पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, ये होता है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लॉ ऑफ अफर्मेशन या अट्रैक्शन से एक सेंटेंस में डेली पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको डेली अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें अपने बारे में बोलनी है और अपने दिन के बारे में बोलनी है। सो ये लॉ ऑफ अफर्मेशन किस तरीके से आपके लिए काम करेगा, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज हैं जो कि मैं भी अपने स्टडी के दौरान यूज़ करता हूँ। सो आप भी ये यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे हुए हैं जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। सो फर्स्टली है कि ट्रेन योर ब्रेन, अपने आप को अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। किस तरीके से, जिस तरीके से हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए क्या खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की, पॉजिटिव विचारों के साथ में, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में अपने अपने माइंड को ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है पॉजिटिव टॉक्स के थ्रू, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू। सो नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, जो कि यहाँ पर 5-6 सेंटेंसेज हम डिस्कस करेंगे। सो पहला है ट्रेन योर ब्रेन विद पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दूसरा यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, दूसरा जो है वो है फोकस ऑन नॉलेज नॉट ऑन द रिजल्ट। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तैयारी करते हुए या को अपने कोई भी कैरियर में, कैरियर को फोकस करते हुए स्टडी से रिलेटेड ही नहीं है ये, किसी भी फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो वो रिजल्ट पर फोकस करके काम करते हैं। तो आपको नॉलेज इंक्रीज करने पर फोकस करना है, आपको अपना पर डे, आपको ये नहीं देखना है कि 10-15 दिन बाद क्या रिजल्ट होने वाला है, आपको हर दिन अपना बेस्ट देना है और स्टडी से रिलेटेड आपको अपना बेस्ट फोकस करते हुए, अपने डेली के टाइमिंग पर फोकस करते हुए, डेली का टाइमिंग अपना रोज जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस करके उसे बेस्ट बनाना है। थर्ड सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड सेंटेंस आपको यहाँ पर ये आता है, थर्ड सेंटेंस ये है आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जब तक आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सो उन्हें रिमूव कर किस तरीके से कर पाओगे। सो आपको अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी है, जो भी मिस्टेक्स आप अपनी तैयारी के दौरान, अपने स्पोर्ट्स कैरियर के दौरान कर रहे हो, और फिर उन पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, सो नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं भी, ये मेरा फेवरेट है जो कि मैं मोस्टली बोलता रहता हूँ, ये है आई विल फोकस ऑन लर्निंग। सो आपको सीखने पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। सो जिस तरीके से आप सीखना स्टार्ट कर देते हो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग यू स्टार्ट विनिंग। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना है। बात करूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस, स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे फॉर यू टू रीच वेयर यू वॉन्ट टू बी। ओके, सो सबसे आसान तरीका, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है स्लोली प्रोग्रेस करने का, स्लोली स्लोली अपने गोल की ओर मूव करते रहना, वो सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको फोकस करना है डिसिप्लिन बनाने पे। आई विल फोकस ऑन ए डिसिप्लिन लाइफ ऑन ए डिसिप्लिन डेली रूटीन। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं इन्हें एक बार समरी में बता देता हूँ आपको। फर्स्टली आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ट्रेन योर ब्रेन। सेकेंड आपको फोकस करना है नॉलेज पे, आई विल फोकस ऑन नॉलेज। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है आई विल फोकस ऑन लर्निंग, आई विल फोकस ऑन नॉलेज, आई विल फोकस ऑन लर्निंग, स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच वेयर यू वॉन्ट टू बी, आई विल बी इन अ डिसिप्लिन। ठीक है, अपने डेली रूटीन को आपको डिसिप्लिन में रखना है। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इंक्लूड करनी है डेली बेसिस पे।
तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके फोकस को इंक्रीज़ करने में हेल्प। तो थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।